संपूर्ण हिंदू राष्ट्र का संगठन यह कार्य संघ ने अपने तरफ लिया, जिसका मतलब होता है कि हिंदू राष्ट्र के हर एक घटक को संपूर्ण राष्ट्र के साथ एकात्म बनाना, एकात्मता का संस्कार देना। मैं अलग नहीं, पृथक नहीं, स्वतंत्र नहीं, राष्ट्र शरीर का एक अंग मात्र हूँ, अवयव मात्र हूँ, यह साक्षात्कार हरेक को कराना। इस तरह के जो साक्षात्कारित हिंदू है यानी स्वयंसेवक है, उनका अनुशासनबद्ध संगठन खड़ा करना। इस संगठन की सीमाएं बढ़ाते 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 इतनी बढ़ाना कि संघस्थान की सीमाएं और हिंदुस्तान की सीमाएं समव्याप्त हो जाए, माने संपूर्ण हिंदू राष्ट्र ही संघमय हो जाए और संघ हिंदू राष्ट्र में विलीन हो जाए। संघ और हिंदू समाज यह द्वैत समाप्त हो जाए, यह धारणा लेकर संघ का काम चल रहा है। संपूर्ण समाज को सुसंगठित करने के दृष्टि से उपयुक्त कार्य पद्धति का विकास भी किया गया है, जिसका केंद्र बिंदु दिन प्रतिदिन का एकत्रीकरण, दिन प्रतिदिन एकत्रित आने के पश्चात सामूहिक कार्यक्रम, सामूहिक कार्यक्रम के माध्यम से सामूहिक मन का निर्माण होता है, समष्टिगत कार्यक्रम के माध्यम से समष्टिगत मन का निर्माण होता है। इस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर सामूहिक कार्यक्रम, उनके द्वारा संस्कार देना, हरेक हृदय पर समाज के साथ एकात्मता का संस्कार अंकित करना, यह जिसका केंद्र बिंदु है दिन प्रतिदिन का एकत्रीकरण, यह नित्य कार्यक्रम जिसका है, और बाकी फिर कुछ नैमित्तिक कार्यक्रम जिसमें साल में नियमित रूप से आने वाले 6 उत्सव और अनियमित रूप से नैमित्तिक कितने ही कार्यक्रम छोटे बड़े होते रहते हैं। तो नित्य और नैमित्तिक कार्यक्रम, केंद्र बिंदु दिन प्रतिदिन का एकत्रीकरण, इस तरह की कार्य पद्धति का विकास किया। और संघ ने ऐसा कहा कि संघ जो कुछ भी हासिल करना चाहता है उस दृष्टि से संघ की कार्य पद्धति स्वयं पूर्ण है।